एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, मैंने एक वीडियो वैसे ऑलरेडी बना दी है, उसके अंदर आपको पैटर्न जो है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। एग्जाम पैटर्न कैसे क्या है वो मैंने एक जो वीडियो है वो ऑलरेडी बना दी है। अब जो ये वाली वीडियो है इसमें फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये डाउट थे, दीदी मैम एनसीसी का मेरे पास सर्टिफिकेट है, क्या वो चल जाएगा, क्या उसके नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सारा जो डाउट आज इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ मैं आपको, और कई लड़कियों को भी फिजिकल से रिलेटेड जो डाउट है, हाइट से रिलेटेड, वो भी इस वीडियो में आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। सबसे पहले पता है आपको टोटल वैकेंसी कितनी है, 6,433 निकाली गई है, ठीक है। और आपका याद रखना टीसीएस कंडक्ट करवाएगी, दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा ये पेपर, ठीक है। एसएससी के द्वारा नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। एमटीएस का भी जो है दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट करवाएगी, और 811 यहाँ पर वैकेंसी एमटीएस वालों के लिए, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी कितनी होगी, 7,000 प्लस लगा के चलो, ठीक है। टोटल वैकेंसी 7,000 प्लस होगी ना, तो अच्छा मौका है, ठीक है, काफी टाइम है, ठीक है। लेकिन फिजिकल की तैयारी आपको आज से ही स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि एग्जाम हो जाएगा और फिर फिजिकल नहीं होता है बच्चों से। यहाँ जो दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों का, वो बहुत टफ होता है, ठीक है। उनको अभी से तैयारी कर देनी चाहिए फिजिकल की। एग्जाम के बाद जो टाइम है वो मिलेगा ही नहीं, मतलब ये लगा लो 1-1.5 महीना मिला और उसमें फिजिकल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आज से अभी से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, ठीक है। 90 मिनट टाइम कितना है, 90 मिनट है, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी स्टूडेंट्स। और हाइट अभी इसके साथ साथ पहले ये एग्जाम देख लो कब और होगा, ठीक है। जो एग्जाम है ये मेनली आपका मई में पॉसिबिलिटी है, मई में करवाने की, ठीक है। अप्रैल के एंड या मई में जो है एग्जाम हो जाएगा, और आपके मार्च में जो है जहाँ तक है फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। एज कितनी है, एज 18 से 25 ईयर वाले स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ एसटी एससी वालों के लिए 5 ईयर की छूट है, ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर की छूट है, ठीक है। तो ध्यान रख लो 18 से 25 ईयर वाले ही भरे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिजिकल की, ओके फिजिकल पर आते हैं जहाँ पर हमारा मेन मोटो है इस वीडियो का। फिजिकल देखो, रनिंग की बात करते हैं, रनिंग कितना है 1600 मीटर, ठीक है। दोनों के लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी 1600 मीटर रनिंग है। लेकिन दिक्कत क्या है, जो मेल है उनका 6 मिनट में करना है और जो फीमेल है उनको 8 मिनट में करना है, ठीक है। और लड़कियां कर देना अभी से शुरुआत करो, और लड़कियों के लिए काफी अच्छा मौका है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सॉरी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो है लड़कियों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है ये, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात करूँ लॉन्ग जम्प, ठीक है, लॉन्ग जम्प कितनी है 14 फिट, और फीमेल के अंदर कितने हैं 10 फिट, ठीक है। इसके साथ साथ जंप की बात करते हैं, जंप हो गया 14 फिट और लड़कियों के लिए 10 फिट। हाई जंप भी है और लॉन्ग जंप भी है इसके अंदर, दोनों के दोनों है, ठीक है। लॉन्ग जंप बता दी, हाई जंप की बात करते हैं 3 फिट 9 इंच ये मेल के लिए है, और 3 फिट खाली किसके लिए है, फीमेल के लिए है। अब चेस्ट की बात करते हैं, ये चेस्ट लड़कियों में कोई क्राइटेरिया नहीं है, चेस्ट का सिर्फ बॉयज के अंदर है, ठीक है। 81 सेंटीमीटर और जो इनका फुलाव होता है वो 85 सेंटीमीटर। अब हाइट और देख लीजिए एक बार, मेल के लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए कितनी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एनसीसी सर्टिफिकेट, आज जो है मेरे पास मैसेज भी था कमेंट में, ठीक है, तो जो भी डाउट है आपके वो भी मैं आपको सोल्व कर रही हूँ साथ के साथ। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर बच्चे सी सर्टिफिकेट है या बी सर्टिफिकेट है या ए सर्टिफिकेट है, अलग अलग मार्क क्राइटेरिया है उनका। सी सर्टिफिकेट वालों के लिए जो है ना 5 मार्क्स, ठीक है, एक्स्ट्रा ध्यान रखना। लेकिन एक्स सर्विस मैन वालों के पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो बेटा नहीं मिलेंगे, मतलब बच्चों स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे मार्क्स एक्स सर्विस मैन वालों के लिए अगर है एनसीसी सर्टिफिकेट। ओनली सिर्फ जिनके पास जो एक्स सर्विस मैन से अदर्स जो बच गए सिर्फ उनको मिलेंगे, ठीक है। और ये नहीं है कि हाँ भाई आप फॉर्म निकलने के बाद सब कुछ नोटिफिकेशन रिलीज हो गया उसके बाद सर्टिफिकेट आपका है, नहीं, उससे पहले ऑलरेडी आपका बना हुआ होना चाहिए तब इसके मार्क्स जुड़ेंगे, उसके बाद अगर है तो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया आपको समझ आ गया होगा, आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए आप फिजिकल की, ठीक है। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह स्टार्ट करनी है आपको, फिर उसके बाद आप रनिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। ग्राउंड हो गया या रोड वोड पर आप जा सकते हो आसानी से, ठीक है, मैदानों में करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं आपको ना सिर्फ कंपटीशन अपने आप से करना है, ठीक है, एक सीट लेनी है, एक सीट पक्की करनी है स्टूडेंट्स, किसी और से कंपटीशन नहीं करना, ना किसी और से कंपैरिजन करना, ठीक है। अगर कंपटीशन करना और कंपैरिजन करना है तो विद योर सेल्फ,
बिकॉज यू आर यूनिक और तुम कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, खासकर गर्ल्स के लिए। मैं गर्ल्स को इसलिए यहाँ पर ज्यादा बोल रही हूँ क्योंकि गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। मेरे काफी अच्छे दोस्त और मैंने भी इस एग्जाम को दिया था और मैंने भी क्लियर किया था, तो मैं पहले बता रही हूँ ऑलरेडी, लड़कियों तुम कर सकती हो इसको, ठीक है। और अभी से स्टार्टिंग कर दीजिए, काफी टाइम है, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा आपको। और इसका जो सिलेबस है वो भी मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगी क्या कुछ है सिलेबस। और रही बात जीके और जो जीएस के सीरीज है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए या जो लेटेस्ट क्वेश्चन अभी जो है आ रहे हैं एग्जाम्स में, या एमटीएस वाले भी सुन सकते हैं इस वीडियो को, जो सीएचएसएल वगैरह या जो सीजीएल या सीपीओ में जो अभी जीके जीएस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं लेटेस्ट, वो भी मैं वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। इसके साथ साथ आपको अपनी तैयारी पर पूरी जोर से ध्यान देना है, एक एक कैसे तैयारी करनी है, क्या कुछ करनी है, ये भी मैं आपको बताते रहूंगी, ठीक है। ऐसे एक एक टॉपिक को आपको रोज प्लान करके अपना पढ़ना है, और अच्छी टाइमिंग है, नहीं तो टाइमिंग नहीं मिलता। 50 नंबर की आ रही है आपकी जीके, ध्यान रखना, और बहुत अच्छा रोल होगा जीके जीएस में। कम से कम 50 में से 29 से 30 नंबर भी ले आओगे ना आप, तब भी बहुत, बाकी अदर सब्जेक्ट में कवर कर लेना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है याद रखना, 0.25 की। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ लिया और सारे पे, कई बच्चे करते हैं, ठीक है, हर किसी ऑप्शन पे नहीं आता तब भी टिक करके आ जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, नहीं नहीं आता तो मतलब या तो 50-50% अगर आपके चांसेस है तो कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर उसको स्किप कर सकते हो आप, ओके। ध्यान रखना है आपको। चलो आज की वीडियो यहीं तक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कोई अगर आपका डाउट है तो मैं उसको बताती रहूंगी। और बाकी आप जो है टेलीग्राम का मैंने लिंक बना दिया है, ठीक है। हर कोई नोटिफिकेशन जो भी मिलता रहेगा या जो भी मैं दिल्ली पुलिस से एमटीएस से रिलेटेड कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपकी टेलीग्राम लिंक में पहुँचाती रहूंगी, आप ज्वाइन कर लेना।